दोस्तों, जब से जेपीएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स यानी 7th जेपीएससी के प्रीलिम्स का जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तब से यह शक के दायरे में है, संदेह के दायरे में है और ये शंका के घेरे में है। दोस्तों, जब से आपने देखा होगा कि पब्लिश हुआ है रिजल्ट 1 नवंबर को, तब से लगातार बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि दो रोल नंबर्स के बीच के जितने भी कैंडिडेट थे सब पास कर गए हैं। मतलब ये बहुत चकित करने वाली चीज़ है कि लगातार रोल नंबर कैसे पास हो सकते हैं। क्या जो जिन लोगों को ये रोल नंबर अलॉट किए गए थे, क्या जानबूझ करके अलॉट किए गए थे, या फिर क्या सारे कैंडिडेट्स जो टैलेंटेड थे वो एक साथ बैठे थे, ऐसे कैसे संभव है? ऐसे दोस्तों किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। हाँ, एक दो हो सकते हैं कि एक दो कैंडिडेट पास कर जाएं जो साथ में बैठे थे, वो टैलेंटेड बंदे हों, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 40-40 कैंडिडेट्स, आप समझिए, मतलब एक पूरे कमरे या फिर दो कमरे में इनको बैठाया गया होगा। अब देखिए, मैं इनका रोल नंबर दिखाता हूँ। ये वो सारे रोल नंबर्स हैं जिन्होंने लगातार पास किए हैं, जगह ये रोल नंबर लगातार हैं। देखिए, 65, 66, 67, 68, ये ऐसे लगातार हैं 02 तक। अब टोटल 40 कैंडिडेट्स हैं और ये बैक टू बैक रोल नंबर हैं। कहीं कहीं गैप है, हो सकता है वो कैंडिडेट्स नहीं आए होंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 71 के बाद ये 74 है, मतलब 72 और 73 गायब हैं। हो सकता है ये कैंडिडेट्स उस दिन अनुपस्थित रहे होंगे। उसी तरह ये है 76 से 78, ये 77 वाला गायब है। फिर उसी तरह कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा 81 से ये 82 वाला गायब है, 83 है इसके बाद। उसी तरह 76 से 78, यहाँ पे 77 वाला गायब है। मतलब ऐसे जो गायब हैं वो कैंडिडेट्स हो सकता है उस दिन अनुपस्थित रहे होंगे। तो इसी तरह कुछ कुछ मिल सकता है आपको। इधर तो लगातार है, लगातार है, इधर कहीं गैप नहीं है। अब जेपीएससी पर भी सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा संभव कैसे हुआ। मतलब एक कमरे के स्टूडेंट्स सारे कैंडिडेट्स कैसे पास हो गए? मतलब कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ी तो है। या तो हो सकता पेपर लीक हुआ है और सारे कैंडिडेट्स को पेपर लीक कर दिया गया है, पहले दिया गया है, कुछ भी संभव हो सकता है। या फिर इन लोगों ने पेपर पहले देख लिया हो और फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए हों, ये भी संभव हो सकता है। या फिर एग्ज़ाम हॉल में ही पहले पेपर बांटा गया हो और उनको समझाया दिया गया हो, या फिर उनको अनुमति दी गई हो, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी संभव है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर क्लिप्स भी मैं देख रहा था, उसमें भी बहुत सारी घटनाएं खुल करके सामने आ रही हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा है, 7वीं 10वीं जेपीएससी साहेबगंज और लोहरदगा के एक सेंटर के एक ही कमरे से सभी बच्चे पास हुए। ये कैसे संभव है? मतलब साहेबगंज और लोहरदगा में क्या सारे टैलेंटेड कैंडिडेट हैं, या फिर क्या उनको मौका दिया गया था चोरी करने का? अगर चोरी भी करेंगे तो वो चलिए उतना पॉसिबल नहीं है कि एक निश्चित समय के अंदर सारी चीज़ें कर लें। ये हो सकता है कि पहले पेपर लीक हुआ है या फिर सांठगांठ हुई है, कहीं ना कहीं धांधली हुई है, ये पक्का है। इसके अलावा मैं कुछ न्यूज़ क्लिप्स देख रहा था कल ही, और कुछ यूट्यूब्स पर भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो उनका भी कहना था, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की जिन लोगों ने परीक्षा दी थी, उन सब का कहना था कि कोई कोई केंद्र ऐसे थे, परीक्षा केंद्र कोई कोई ऐसे थे जहाँ पर जो सील्ड पैक ऑफ पेपर होता है वो नहीं, वो पहले से खुला हुआ मिला था और कैंडिडेट्स को उसी में से पेपर निकाल के बांटा गया था। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब भी पेपर बांटना हो तो उससे पहले सील्ड पैक दिखाया जाता है कि ये पूरा सील्ड है और ये पहले से खुला नहीं है। पहले से खुला है इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, पेपर को उसने
पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन बहुत सारे केंद्रों में ऐसा हुआ कि पहले से ही खुला मिला था पैकेट। इसका मतलब साफ है कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। तो इस पर अब क्या होगा, अब जेपीएससी पर क्या कुछ एक्शन होगा, कोर्ट केस होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ कोर्ट केस तो होगा ही, क्योंकि ये जो रोल नंबर्स हैं ये तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि टैलेंटेड कैंडिडेट्स मार खा जाते हैं और जो जिन्होंने चोरी की है उनको फ़ायदा मिलता है अगर कोर्ट केस ना हो तो। तो इसलिए इस पे कोर्ट केस ज़रूर होना चाहिए और जेपीएससी को इस पर क्लैरिफिकेशन ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि लगातार रोल नंबर पास कर जाएं, वो भी एक नहीं 40 40 रोल नंबर लगातार पास कर जाएं। सिर्फ 40 नहीं है, यहाँ पे मैं आपको 40 दिखा रहा हूँ। रोल नंबर को और गौर से देखिएगा तो ऐसे कुछ और रोल नंबर आ जाएंगे जो लगातार पास कर गए हैं। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आप ज़्यादा चिंता मत करिए, तैयारी करते रहिए, आगे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थैंक यू।